केंद्र सरकार ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए चले आ रहे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। यानी कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष सहमत नहीं है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए चले आ रहे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किए जाने का निर्णय किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये सामने आया है कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित है। इसके लिए राष्ट्रपति समुदाय से 2 समुदाय को नामित करते हैं। एंग्लो इंडियन से मतलब उन भारतीयों से है जो ब्रिटिश मूल के हैं। ऐसे में अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्य नहीं रहेंगे। वहीं संसद में अनुसूचित जाति के 84 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य हैं। भारत में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के 614 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के 554 सदस्य हैं। मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को तो अगले 10 सालों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी, लेकिन सरकार ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया है। बाद में जरूरत महसूस होने पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ाने को लेकर संसद में बिल पेश किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद इस आरक्षण की अवधि बढ़कर 25 जनवरी 2030 तक हो जाएगी। मौजूदा आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक समाप्त होने वाली थी। जब आज़ादी मिली थी तब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कई लोग भारत में ही रह गए थे, उनके लिए लोकसभा में ये प्रावधान बनाया गया था। अब आज़ादी के 70 सालों बाद इसकी जरूरत नहीं रही, इसीलिए इस रिजर्वेशन को खत्म करने का फैसला सही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।